लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव की वोटिंग से राजनीति गलियारों में हलचल तेज है, क्यों आइए जानते हैं। आपने क्रॉस वोटिंग का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि क्रॉस वोटिंग कौन कर सकता है और क्रॉस वोटिंग करने वालों को क्या सजा हो सकती है। लेकिन इससे पहले बता दें कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भी कुछ विधायकों के नाराज होने की चर्चाएं तेज हैं, जिसके बाद अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई विधायक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो वोटर्स अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पार्टी को वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर विधायक अपनी पार्टी की जगह किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करना चाहते हैं तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या क्रॉस वोटिंग करने वालों की सदस्यता चली जाएगी। नियम के अनुसार किसी भी विधायक की सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त नहीं हो सकती, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के बारे में अगर पार्टी जानती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इन सबके बीच एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट करने के बाद दल बदल कानून लागू हो सकता है। इसका जवाब है नहीं। बता दें कि जब तक सदस्य जिस पार्टी से विधायक है उस पार्टी से इस्तीफा देकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो जाता, तब तक वो दल बदल कानून के दायरे से बाहर है। यानी देखा जाए तो किसी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने से सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है और किसी भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की सदस्यता नहीं जा सकती। ऐसे में अब अगर सपा के विधायक बीजेपी को और बीजेपी के विधायक सपा को वोट करते हैं तो इसके बाद भी उनकी सदस्यता को कोई भी खतरा नहीं है। आपकी क्रॉस वोटिंग पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित टाइम्स।